Hey guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लिसरीन के यूजेस के. आप ग्लिसरीन का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो चलिए देख लेते हैं इनका हमें यूज कैसे करना. उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर ले लाइक, एंड मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब. के बारे में फर्स्ट थिंग ये है कि आप पहले अपनी स्किन पे पैच टेस्ट करके चेक कर ले कि आपको ये सूट करता है या नहीं. अगर आपको ये सूट करे तभी आप इसे ट्राई करें, क्योंकि हर चीज हर किसी को सूट नहीं. चलिए मैं आपको इसका यूज बताती हूँ. फर्स्ट यूज इसका ये है कि आप इसको अपने फेस वॉश में ऐड करके यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको फेस वॉश करने से पहले अपने फेस वॉश में 2-3 ड्रॉप ग्लिसरीन की लेनी है एंड आपको फेस वॉश कर लेना. अब आप ये सोचेंगे इसका हमें क्या काम, हम नॉर्मली फेस वॉश कर सकते हैं. प्रॉब्लम ये है कि कोई कोई फेस वॉश जो है वो करने के बाद हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि वो उसमें अगर ग्लिसरीन की कुछ बूंदें ऐड करते हैं तो जो है हमारा जो फेस वॉश है वो हमारी स्किन को ड्राई नहीं करता और हमारी स्किन जो स्मूथ बनी रहती है. एंड इसका सेकंड यूज ये है कि आप अपना DIY फेस वॉश बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको लेना है 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन एंड उसमें ऐड करना है आपको गेहूं का आटा, और उसमें आप ऐड कर सकते हैं जो है रोज वाटर. इन तीनों को मिक्स करके आप अपना खुद का DIY फेस वॉश बना सकते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा. आपकी स्किन स्मूथ ग्लॉसी बनेगी. तो नेक्स्ट यूज हम बात करेंगे क्लिंजिंग की, हमने बात कर ली. अब हम बात कर लेते हैं स्क्रबिंग की. स्क्रबिंग करने के लिए भी आप पहले की तरह ही इसको यूज कर सकते हैं. जिस तरह से आपने फेस वॉश में इसको मिक्स किया था उसी तरह आप अपने किसी भी स्क्रब में जो भी आप यूज करते हैं उसमें आप इसे मिक्स करके अपने स्क्रब को कर सकते हैं. एक माइल्ड स्क्रब बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा है. तो आप अपने स्क्रब में 2-3 ड्रॉप ग्लिसरीन की ऐड करके नॉर्मली अपने फेस पे या जहां भी आपको स्क्रब करना है हैंड पे आप उसे कर सकते हैं. आपको ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसका नजर आएगा. जैसे जो है कोई कोई फेस वॉश जो होता है वो थोड़ा सा इरिटेट करता है, तो आपको उसमें अगर इस चीज को मिक्स करते हैं तो क्या होगा कि बहुत ही माइल्ड स्क्रब बन जाता है. तो ट्राई जरूर करिएगा. तो नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि आप अपना खुद का DIY स्क्रब भी बना सकते हैं. जैसे मैंने फेस वॉश बताया है तो आप DIY स्क्रब तो बताना बनता ही है. तो स्क्रब बनाने के लिए हमें करना है, थोड़ा सा लेना है शुगर, क्रस्ट कर लेंगे उसको एंड उसमें हम ऐड कर लेंगे हनी, और उसमें हम ग्लिसरीन को ऐड करके अपना खुद का DIY स्क्रब बना सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है, एक बार आप ट्राई करेंगे आपको जरूर पसंद. क्लिंजिंग की बात हो गई, स्क्रबिंग की बात हो गई, तो मॉइस्चराइजिंग की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है. तो मॉइस्चराइजर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है थोड़ा सा ग्लिसरीन एंड उसमें आपको ऐड कर देना है लेमन जूस एंड आपका तैयार है मॉइस्चराइजर. इन दोनों को मिक्स करके आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका DIY मॉइस्चराइजर क्रीम तैयार है. तो ये हो गए इसके यूजेस, यानी कि क्लिंजिंग, स्क्रबिंग एंड मॉइस्चराइज. तो नेक्स्ट यूज इसका ये है कि अगर आपकी हील्स जो है वो क्रैक्ड हो चुकी हैं, ठंडियों में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, तो विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो अपनी हील्स को अभी से प्रिपेयर रखिए. और अपनी हील्स को प्रिपेयर करने के लिए आप उसमें लगा सकते हैं ग्लिसरीन. अगर आपकी हील्स क्रैक्ड हो चुकी है तो उसमें आप ग्लिसरीन की एक लेयर लगा लीजिए एंड आप इसमें सॉक्स पहन लीजिए और रात को सो जाइए, एंड सुबह उठेंगे आपकी हील्स जो है वो काफी सॉफ्ट हो चुकी रहेंगी. तो इसका ये बहुत ही अच्छा बेस्ट. नेक्स्ट इसका यूज ये है कि अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं तो आपको लेना है थोड़ा सा ग्लिसरीन एंड आपको अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेना है, आपके लिप्स काफी अच्छे सॉफ्ट सपल हो जाएंगे. तो ये रहा ग्लिसरीन का यूज. इस ग्लिसरीन के बहुत सारे यूजेस है, बट मैं आपको बहुत सारे यूजेस नहीं बताऊंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे ट्राई करें. तो इसलिए कुछ बेसिक यूजेस मैंने आपको बताया है, तो आप जरूर अपने घर पे इसे ट्राई करें एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये यूजेस कैसे लगे. सो आज के वीडियो में बस इतना ही. वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर लें लाइक एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.